डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, डीओई की तरफ से ऑनलाइन जो है प्रैक्टिस पेपर आ गए हैं, तो अब मैं उन्हीं की वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो ये साइंस का है और आपका पहला पेपर साइंस का है, तो आपको अच्छे से इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, मैंने अच्छे से बता दिया था ब्लूप्रिंट। अगर आपने अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं देखे तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना। ब्लूप्रिंट में ये पता लग जाता है कि कितने कितने नंबर के क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या क्या चांसेस वगैरह हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन हैं, MCQ हैं और असम्पशन और रीजन से रिलेटेड हैं। तो आप इसके आंसर खुद भी बताने की कोशिश करना, ये नहीं कि केवल आप सुनते चले जाएँ, आप खुद भी सोचना और देखना कि आपके कितने सही निकलते हैं, क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ तो सिखाना है आपको। ओके, तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है, विसरण की दर अधिकतम होगी, द रेट ऑफ डिफ्यूजन विल बी हायर इन। बताओ डिफ्यूजन किस में ज़्यादा होता है, लिक्विड में, सॉलिड में, दोनों में या गैसेस में? तो मतलब घुलने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है गैसेस में, तो इसका आंसर क्या है, डी। सेकेंड पर आ जाओ, एक अगर सामान्य स्थिति में जल को गर्म करके जो अधिकतम तापमान प्राप्त किया जा सकता है वह है, अंडर नॉर्मल कंडीशन द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड बाई हीटिंग वाटर इज। मतलब जब हम पानी को गर्म करते हैं ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेम्परेचर हम गेट कर सकते हैं पानी का, पानी की बात हो रही, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल पानी की मतलब। तो इसका आंसर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। सबको पता ही होगा, आप खुद भी बताते रहना और मुझे लास्ट में बताना आपके कितने सही थे। थर्ड क्वेश्चन है, सोडियम एलिमेंट का सिंबल कौन सा है? और ये जो क्वेश्चन आया ना पेपर में, इसके आसपास के सारे क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो बुक में से ढूंढ लेना इसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं। तो सोडियम का सिंबल क्या है, चार आपके सामने हैं, तो सही सिंबल है N और स्मॉल में A लिखेंगे, ठीक है। जब दो अल्फ़ाबेट आते हैं और अगर हमें किसी एक का नाम बताना होता है, तो पहला कैपिटल में, दूसरा स्मॉल में लिखा जाता है, तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है, तीसरे का A। फोर्थ पर आ जाइए, ये कह रहा है द कंस्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड आर। ये कह रहा है सोडियम क्लोराइड में मौजूद जो आवेशित कण है वो कौन होते हैं। देखो सोडियम क्लोराइड बनता है Na+Cl, सोडियम और क्लोरीन से। तो सोडियम के अंदर कितना होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें ना, तो 2, 8, 1 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है, 2, 8, 7। तो इसके बाहर एक है, इसके बाहर कितना, एक, तो ये दे देगा, और क्लोरीन को एक चाहिए, तो जो दूसरे को दान दे रहता है वो पॉजिटिव होता है और जो दूसरे से दे लेता है वो नेगेटिव होता है। तो अब आप मुझे बताओ कि सोडियम कैसा होगा, पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि उसके बाहर एक है, वो दूसरे को दे देगा। तो इसका आंसर क्या, डी, सोडियम का पॉजिटिव और क्लोराइड का नेगेटिव। क्लियर हो गया, क्योंकि उसमें 2, 8, 7 है, उसे एक चाहिए। आपको पता है ना एटॉमिक नंबर कितने होते हैं क्लोरीन में, 17 होते हैं, चैप्टर नंबर 4 में देखना आप, पूरी टेबल बनी हुई है, ठीक है। और सोडियम में होते हैं 2, 8, 1। तो इसका आंसर क्या गया, डी आ गया, ठीक है। और अब आ जाइए पांचवें क्वेश्चन पर, ये कह रहा है जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो जो एटम होते हैं उसके अंदर 3 सब एटॉमिक होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। जो परमाणु होते हैं ना, उसके 3 अवपरमाणु होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस के होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस के होते हैं और न्यूट्रॉन नो चार्ज होते हैं। तो इसने बोला है कि इनमें से किसको सही दिखाया गया, तो देखो प्रोटॉन प्लस वाला है, ठीक है, और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन जो है ये रहा माइनस वाला, ठीक है। तो पहला और तीसरा तो गलत है, दूसरा और चौथा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा सी। अब कह रहा है छठे क्वेश्चन में, कह रहा है कि अगर किसी का एलिमेंट का परमाणु संख्या 14 दे रखी है, तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, सियोनजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। देखो आपको पहले अगर ये पता है ना, 14 नंबर पे कौन है, सिलिकन, कोई बात नहीं। अगर नहीं पता तब भी कोई बात नहीं, बस आपको ये जो 14 है ना,
इसको के एल एम और एन में बांटने आने चाहिए। कैसे बांटोगे? पहले वाले में दो भरते हैं, दूसरे वाले में आठ भरते हैं, अभी भी कितने बचे? चार बचे, तो यहाँ चार आ गया। तो जो लास्ट वाले में होते हैं ना, उसे बोलते हैं सयोंजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर क्या आ गया? फोर। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है या सयोंजी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की जगह कभी सयोंजी विन्यास आ जाए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाए, तो बात एक ही होती है, लास्ट वाले में आपसे पूछ रहा है, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपसे। कितना है? चार। अब सातवां क्वेश्चन है, ये कह रहा है जो पादप कोशिका होती है ना, उसका जो केंद्रक होता है वो बिल्कुल सेंटर में क्यों नहीं होता, उसका कारण क्या है? ये कह रहा है जनरली न्यूक्लियस ऑफ द प्लांट सेल आर नॉट सेंट्रली लोकेटेड ड्यू टू, क्यों होता है ऐसा? देखिए उसके ना वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, क्या होते हैं उसके वैक्यूल्स? बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? ए आ गया। बड़े आकार की राजधानियों की वजह से उसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है प्लांट सेल में, वो बिल्कुल सेंटर में नहीं होता, साइड में होता। किताब में देख लेना, चैप्टर नंबर 5 में आपको दिख जाएगा। अब नेक्स्ट पर आ जाओ, आठवें नंबर पर जैंथियम और पार्थेनियम उदाहरण हैं। देखिए ये जो है ना, ये आपके चैप्टर 15 में मिल जाएगा आपको। मैं अभी आपको पेजेस भी दिखाऊंगा लास्ट में, जिसमें आप अपने आप देख लेना। मैं आपको एक पेज दिखा देता हूँ इसका, कि देखो अगर आपने एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ी, आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, इन्हें बोला जैंथियम और ये जो पार्थेनियम है ना, ये किसके एग्जाम्पल है? ये वीड्स के एग्जाम्पल है। मैं आपको दिखाता हूँ बुक में कहाँ है। देखो ये देखिए, जब आप 15 चैप्टर खोलेंगे तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, देखो एनसीईआरटी की बुक में। और ये देखो, ये ऊपर, ये देखो ये लिखा है, ठीक है। ये सारे के सारे ये जो एग्ज़ाम्पल हैं वीड्स के हैं, डियर वीड्स के। तो अगर आपने बुक की एक एक लाइन पढ़ी ना, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? डी आ गया। नेक्स्ट है, कौन सा सयोंजी ऊतक नहीं है? कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक को दूसरे से जोड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना, स्मूथ मसल्स नहीं है, ब्लड, कार्टिलेज और बोन, ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं? सयोंजी ऊतक कहलाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं, रक्त, उपास्थि और अस्थि। तो इसका आंसर क्या आ गया? सी। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग की चाल वी और तरंग दैर्ध्य को लैम्डा और आवृत्ति को इस तरीके के साइन से डिनोट करते हैं, तो इनमें रिलेशन क्या है? जब भी रिलेशन पूछेगा तो आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, तो इन तीनों में कौन सा फॉर्मूला बनता है? ये वाला, ए वाला। ये चैप्टर 12 में आप देखोगे मिल जाएगा आपको। तो इसका आंसर ए है। देखो ये जब लास्ट में ये जितने भी है ना, ये सारे मैंने फ़ोटोज़ ले रखी हैं, ठीक है, जहाँ पर ये सारे आंसर हैं, ठीक है, दिखा दूंगा एक बार। अब उसके बाद नेक्स्ट है 11वां, ये कह रहे जो पशुपालन है वो किसके लिए किया जाता है? कैटल हस्बेंड्री लिखा है इंग्लिश में। तो कैटल हस्बेंड्री जो है वो दो चीज़ों के लिए की जाती है, एक तो मिल्क के लिए, दूसरा एग्रीकल्चर वर्क के लिए, लेकिन इसमें पहला और तीसरे का ऑप्शन दे ही नहीं रखा। तो पहला और तीसरा जब इसमें लिखा है तो हम, ठीक है, इसमें ए पे टिक कर देंगे, क्योंकि पहला और तीसरा इसमें भी लिखा है, पर मेन जो है ना, मेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन सही नहीं है, पहला और तीसरा होना चाहिए। ये बुक में बहुत साफ शब्दों में लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कैटल हस्बेंड्री जो होती है वो दो पर्पज़ के लिए की जाते हैं, एक तो मिल्क के लिए और दूसरा एग्रीकल्चर वर्क के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? पहला और थर्ड होना चाहिए था, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो आप समझ गए ना आपको पढ़ाई कैसे करनी है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप एनसीईआरटी के एक लाइन को अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंडिंग लीजिए उसकी, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं कि केवल आपको आंसर करा दिया काम ख़त्म, आपको बताना भी है कि डायरेक्शन भी देना, अगर आप कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो कैसे पढ़ना है, डीपली पढ़ना अगर उसका 100% स्कोर लेना चाहते हैं तो। बाकी मैंने एक वीडियो बनाई है, हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट बताया भी है कि क्या क्या करना है, तो वो वाली वीडियो भी जरूर देख लेना। सुन रहे हो, ये नया चैनल बनाया है, पुराने वाला चैनल एसी स्टार्टर के नाम से ही है, लेकिन ये 9th के लिए स्पेशल खोला है, तो आप सब इसको लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट वगैरह कर देना जो कर पाओ। 12 पर आ जाइए, ये कह रहा है नोट क्या है? नोट है सिंगल फ्रिक्वेंसी। तो 12वें का ए आंसर आ गया। ये तो सिंपल था कि स्वर किसे कहते हैं? एक आवृत्ति की ध्वनि को बोलते हैं। नेक्स्ट है 13, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की व्याख्या नहीं करता, बताओ। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो किसकी बात नहीं करता? अगर आपने इसकी एप्लीकेशन पढ़ रखी है ना, तो आप बता दोगे कि ये वोल्केनो इरप्शन की बात नहीं करता। इसका आंसर क्या आ गया? डी आ गया। और इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, क्या था? ए, ठीक है। अब आप आ जाइए 14 क्वेश्चन पर आ जाइए।
ये कह रहा है जो अंतरकोशिकीय स्थान उपस्थित होता है, बताओ द इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट इन, बताओ इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, पैरेन्काइमा में, कोलेनकाइमा में, स्केलेनकाइमा में या एपिडर्मिस में? तो ये होता है पैरेन्काइमा में, ठीक है। जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है ना अंतरकोशिकीय स्थान, वो पैरेन्काइमा में होता है। ये आपको चैप्टर 6 में मिलेगा बच्चों, ठीक है। 15 पर आ जाइए, जो एक त्वरित गति नहीं है, मतलब आपको बताना एक्सेलेरेशन मोशन किस में नहीं होता। देखो एक्सेलेरेशन तभी होता है जब उसकी वेलोसिटी में चेंज आए, यहाँ पर यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट लिखा है, ठीक है, तो इसमें तो एक्सेलेरेशन है ही नहीं, और सर्कुलर मोशन लिखा है तो इसमें एक्सेलेरेशन हो सकता है। मैंने हो सकता है क्यों बोला, क्योंकि अगर यहाँ लिखा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब नहीं होता, लेकिन यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं लिखा, यहाँ पर सिर्फ सर्कुलर लिखा है, तो इसका आंसर सी आ जाएगा, क्योंकि इसने बोला किस में एक्सेलेरेशन नहीं होगा, तो ए और बी में नहीं होगा, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, क्योंकि उसमें ए और बी ऑप्शन लिखे हैं, तो 15 का सी आ गया, ठीक है। तो 14 का मैंने आपको ए बता दिया था। अब 16 देखो, एक छात्र ने एक प्याज को पानी में आंशिक रूप से डुबो दिया, प्याज को डुबो दिया, कुछ दिनों के बाद देखा उसमें से जड़ें निकल आई, ठीक है, प्याज था इसमें से जड़ें निकल आई। तो अब ये कह रहा है कि जो जड़ है जड़, उसके शीर्ष पर क्या था, एक स्टूडेंट है उसने प्लेस किया ऑनियन को, ठीक है, पार्शली डिप्ड इन वाटर में, कुछ दिनों बाद उसने ऑब्जर्व किया कि रूट्स जो है ना उसमें से आ गए, तो उसकी जो टिप है ना टिप, उस पर रूट की टिप पर क्या पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या ए, ठीक है, क्या पाया जाता है इसमें, एपिकल मेरिस्टेम। मैं लास्ट में पेज दिखा दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लेना, क्योंकि उसके आसपास की चीज़ें मैंने निकाल दी थी आपके लिए। अब 17 क्वेश्चन असम्पशन और रीज़न वाला है, हमें पहले देखना पड़ता है दोनों ट्रू है या दोनों में से कोई एक फॉल्स है, उसके बाद ही आगे चेक करते हैं, ठीक है। असम्पशन रीज़न के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो सीधा आंसर करते हैं 17 क्वेश्चन में। ये कह रहा है जब प्रकाश की किरण एक कोलाइडल विलयन से गुजरती है, ये चैप्टर 2 से आपके, तो टेंडर प्रभाव देखने को मिलता है ना, जब कोलाइडल में से गुजरती है ना तो टेंडर प्रभाव दिखता है, जैसे आप खिड़की में अगर छोटा सा कहीं से छेद होता है तो वहाँ से लाइट फैल होती दिखाई देती है ना, तो ये कह रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोलाइडल विलयन के कण तो छोटे होते हैं लेकिन वो प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, तो बिल्कुल ट्रू है, दोनों ठीक है और रीज़न भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ए तब लिखते हैं बच्चों जब दोनों ट्रू होते हैं और आर बिल्कुल सही से एक्सप्लेन करता है ए को, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ 18 क्वेश्चन पर। ये कह रहा है लाइसोसोम को कोशिका के सफाई तंत्र के रूप में भी जाना जाता है, होता ना लाइसोसोम सफाई तो करता है, ये कह रहा है इसका कारण क्या है, क्या इसका ये कारण है कि लाइसोसोम में मौजूद शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम है? हाँ देखो, अब इतने बड़े बड़े एंजाइम है उसको तोड़ेगा तभी तो वो साफ कर पाएगा, तो ये दोनों सही है और रीज़न भी सही दे रखा है, तो इसलिए आंसर किसका आएगा, ए आएगा, ठीक है, दोनों सही होते हैं और जब नीचे वाला ऊपर वाले का रीज़न होता है तो हम उसको ए आंसर कहते हैं, तो इसका भी ए है, ऊपर वाले का भी ए था। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 19 पर। ये कह रहा एक तेज कुल्हाड़ी आसानी से काटती है ना तेज, मतलब अ शार्प एक्स कट स्विफ्टली, बिल्कुल सही। ये कह रहा प्रणोद का प्रभाव उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर वह कार्य करता है, रीजन लिखा है द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स, ये भी बिल्कुल ट्रू लिखा है। और देखो ये शार्प एक्स जो है ना वो इसलिए काट पा रही क्योंकि जो उसका एरिया है वही डिसाइड करेगा, तो ये दोनों सही है और रीजन भी ठीक है, तो ए हो जाएगा, ठीक है। ये आपको चैप्टर नंबर 10 से मिल जाएगा, ठीक है, आप उसमें देखेंगे, मैं आपको पेज दिखा दूंगा, ठीक। अब देखिए 20वां क्वेश्चन, ये कह रहा है खरपतवार फसल के लिए हानिकारक है, खरपतवार फालतू के पौधे होते हैं, ये कह रहा है इसलिए हानिकारक है क्योंकि अवांछित होते हैं और ये हमारे पोषक तत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, मतलब जो पोषक तत्व हमारे पौधे को मिल रहे हैं ये खुद छीनने की कोशिश करेगा, कॉम्पिटिशन लगाएगा, तो ये कारण भी सही है, ये भी अभी कथन सही है, तो इसका भी आंसर क्या ए, ठीक है। अब जो मैंने पेजेस की फ़ोटो खींची है साइंस में वो देख लो, और हिंदी मीडियम वाले जो मैं बता दूंगा कौन से चैप्टर से, तो वहाँ से अपनी किताब में से देख लेंगे, ठीक है। देखो ये आपके चैप्टर 15 से है, 15 चैप्टर है, ठीक है, ये आपका चैप्टर 12 है,
जो अभी मैंने वेवलेंथ वगैरह के बारे में बताया था, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। ये थ्रस्ट और प्रेशर वाला जो भी मैंने बताया था ना, तो उसमें उससे ये, और ये जो आपका चैप्टर 6 है इसमें एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बता रखा है, जो टिप पर पाया जाता है, ठीक है। ये लाइसोसोम के बारे में है, ठीक है। और इसमें आपका जो पैलन कैम है, स्कैलन कैम है ना, ठीक है, इंटर मोलिकुलर स्पेस के बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये आप अपने आप यहाँ से सारा पढ़ लेना, 3 पेजेस है इसके, ये लिखा पैलन कैमा के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर 5 से आपके, और सॉरी चैप्टर 6 से है, और ये आपका चैप्टर 15 है, तो जिसमें मैंने वीड्स के एग्जांपल दिए थे, बस अभी इतना ही है। और बाकी वीडियो आपकी जो आगे के क्वेश्चन के जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।